Hello, my dear students. Good morning. I am going to start your online class with the moral. Today moral is, you can believe you can and you are half way there. Believe you can and you are half way there. Students, it means, बेटा अगर किसी भी वर्क को करने के लिए पहले आपको उस पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है, कि आप उसे कर सकते हो, तभी आप उसको कर पाओगे। तो किसी भी काम को करने से पहले हमें पहले उस पर भरोसा कर लेना चाहिए कि हम इस काम को पूरा कर सकते हैं और हम डेफिनेटली उसे पूरा कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर आई हैड ऑलरेडी टॉट Chapter 6 of some topics and today I will teach to you some remain topics. Okay? बेटा आपको मैं इसकी कुछ topics पढ़ा चुकी हूँ और जो बची हुई topics है आज मैं आपका complete करने जा रही हूँ, यानी आपका ये chapter आज finish हो जाएगा, ठीक है। तो आपको chapter finish होने के बाद आपको अपना सारा work अपनी fair copy में write करना है, ठीक है। तो बेटा आपका चैप्टर 6 था पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया और यानी पॉलिटिकल डिवीज़न सेंट्रल का और साउथ इंडिया का आपको पढ़ना था, ठीक है। सेंट्रल यानी बीच में जो स्टेट्स आते हैं वो हमारे सेंट्रल के कहलाते हैं, साउथ इंडिया जो हमारे साउथ इंडिया में आते हैं, जो साउथ में आते हैं वो यानी इंडिया साउथ इंडिया में जो स्टेट्स आते हैं वो साउथ इंडिया के कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारे सेंट्रल के स्टेट्स थे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ठीक है। हमने इन सभी के बारे में पढ़ा है और हमने साउथ इंडिया के भी कुछ स्टेट्स के बारे में पढ़ा है। साउथ इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप, जिसमें से आपका बेटा क्या बचा हुआ था, ओनली लक्षद्वीप आइसलैंड बचा हुआ था, बाकी आपकी सारी टॉपिक्स क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक्स। देखिए हमारी टॉपिक्स थी लक्षद्वीप आइसलैंड, ओके। अनदर ग्रुप ऑफ आइसलैंड दैट इज आल्सो अ यूनियन टेरिटरीज लाइज इन द अरेबियन सी। इट इज कॉल्ड द लक्षद्वीप आइसलैंड, यानी बेटा आइसलैंड का समूह, ठीक है, जो क्या है, एक यूनियन टेरिटरी से लाई करता है अरबियन सी में, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द लक्षद्वीप आइसलैंड, ये क्या कहलाता है, लक्षद्वीप आइसलैंड कहलाता है, यानी आइसलैंड का ग्रुप जो यूनियन टेरिटरी से लाई करता है अरबियन सी में वो क्या कहलाता है, लक्षद्वीप आइसलैंड कहलाता है, ठीक है। द नेम मीन्स वन लैक आइसलैंड, इसके नेम का मतलब है कि वन लैक आइसलैंड, बट देयर आर अबाउट 36 कोरल आइसलैंड, लेकिन यहाँ पर क्या है, यानी 36 कोरल आइसलैंड है, ठीक है। कवरत्ती इज द कैपिटल सिटी located on an island of the shape, यानी कवरत्ती क्या है, इसकी कैपिटल है, ठीक है, जो कहाँ located है, island में located है, ठीक है। अब देखिए same name, most people are settlers who moved from the western coast of India many centuries ago, यानी अधिकतर लोग क्या, यहाँ पर जो लोग मूव यानी किए हैं वेस्टर्न कोस्ट यानी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में मैनी सेंचुरीज यानी कई शताब्दी पहले, ठीक है। कोकोनट पाम्स, कॉजरनिया, टैमरिन आर सम ट्रीज दैट ग्रो ऑन द आइसलैंड, ये सारे प्लांट्स कहाँ पर उगाए जाते हैं, आइसलैंड में उगाए जाते हैं। पीपल also grow wild almond, jackfruit, banana and drum stick, यानी लोग यहाँ पर और क्या उगाते हैं, wild almond,
जैकफ्रूट यानी कटहल, बनाना एंड ड्रमस्टिक उगाए जाते हैं। ठीक है, मेकिंग कोकोनट प्रोडक्ट एंड फिशिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशन, यानी कोकोनट प्रोडक्ट बनाना और फिशिंग यहाँ का मेजर ऑक्यूपेशन है। एज ऑल्सो इज टूरिज्म, द आइसलैंड आर एन अट्रैक्शन फॉर देयर क्लियर वाटर्स, स्क्यूबा डाइविंग एंड द वेस्ट वैरायटी ऑफ अंडर वाटर लाइफ। यानी आइसलैंड का अट्रैक्शन, इसका आकर्षण ये है क्लियर वाटर, यानी पानी को क्या करना, क्लियर वाटर पाया जाता है बेटा, यानी साफ पानी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, साफ पानी। और बेटा ये कहाँ पर है, अरब सागर में है यानी अरेबियन सी में है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, पानी का बहुत बड़ा बड़ा भाग पाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्कूबा डाइविंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्कस, कैन यू फाइंड टू सिमिलरिटीज एंड टू डिफरेंसेस बिटवीन द टू आइसलैंड एंड यूनियन टेरेटरीज। आपको क्या बताना है, यूनियन टेरेटरीज की टू सिमिलरिटीज बतानी है और टू डिफरेंस बताना है, यानी दो समानताएं बतानी है और दो विभिन्नताएं। ठीक है, दो चीज़ें सेम और दो चीज़ें डिफरेंस। तो क्या है सेम, क्या है वहाँ कोकोनट, जैसे वहाँ पर क्या होता है, कोकोनट का व्यवसाय होता है। देखिए आइसलैंड में क्या होता है, कोकोनट, यहाँ भी, यहाँ की भी मेन क्रॉप क्या है, कोकोनट, और लक्षद्वीप आइसलैंड की भी क्या है, कोकोनट। ठीक है, यूनियन टेरेटरी। अब ये क्या हो गई, टू सिमिलरिटीज़ हो गई। ठीक है, और टू डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ का ऑक्यूपेशन फार्मिंग है, यहाँ का क्या है, मेकिंग कोकोनट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको राइट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए बेटा, ट्रीज इन फॉरेस्ट इन द सेंट्रल स्टेट्स आर कट फॉर मैनी डिफरेंट रीजन्स, यानी सेंट्रल स्टेट्स में, यानी ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट, जंगलों में पेड़ों को सेंट्रल स्टेट में, यानी जो सेंट्रल स्टेट्स में जो भी फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं, उन्हें डिफरेंट रीजन से क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। दिस इफेक्ट मैनी ट्राइबल पीपल हु लिव एंड वर्क इन द फॉरेस्ट। इसका इफेक्ट क्या है कि वहाँ पर जनजाति लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट में वर्क करते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट देम, हम इसे कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, कैसे बचा सकते हैं बताइए, क्या करना चाहिए बेटा, कैसे बचा सकते हैं, हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए बेटा ये छूट गया है, वाई इज स्विमिंग एन इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर पीपल हु लिव नियर वाटर, यानी जो लोग वाटर के पास रहते हैं उनके लिए स्विमिंग एक इम्पॉर्टेंट स्किल क्यों है, यानी तैरना एक इम्पॉर्टेंट स्किल क्यों है, क्योंकि बेटा जो लोग वाटर के पास रहते हैं यानी नदी के पास जिनका घर होता है, यानी जिनका घर पानी के पास रहता है यानी पानी के जगहों पर रहता है, तो वो अगर तैरना नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कभी अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और थोड़ा पानी भर गया, बहुत ज़्यादा पानी भर गया, उनको तैरना नहीं आएगा तो वो कैसे, बाढ़ आ गई तो वो कैसे जाएंगे, उनको तैरना आता रहेगा तो वो कम से कम क्या कर सकते हैं, क्रॉस करके आ जा सकते हैं ना, इसीलिए उन्हें क्या करना चाहिए, तैरना आना चाहिए। अब देखिए, इन सेंट्रल इंडिया द स्टेट्स हैव रॉकी और हिली टेरेन, ऑल ऑफ देम हैव फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या है बेटा, सेंट्रल इंडिया में अधिकतर हिली टेरेन है और वहाँ पर क्या है, जंगल है। ठीक है, फॉरेस्ट है। द स्टेट्स आर हॉट एंड ड्राई विथ लिमिटेड रेनफॉल इन मोस्ट रीजन, राइस इज ग्रोन इन ऑल स्टेट, यहाँ की सभी स्टेट्स में चावल उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सभी स्टेट्स क्या रहते हैं, बहुत हॉट रहते हैं और रेनफॉल में बहुत ही ड्राई, लिमिटेड, ठीक है, बहुत ड्राई रहते हैं। इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में द स्टेट्स हैव वेरी वेरियड ज्योग्राफी, साउथ इंडिया की हिस्ट्री क्या है, बहुत ही वेरियड ज्योग्राफी है यहाँ की। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु हैव सेवरल इंडस्ट्रीज, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या है,
सेवरल इंडस्ट्रीज हैं. टू यूनियन टेरेटरीज ऑफ साउथ आर आर्कियोलॉजस, यानी टू यूनियन टेरेटरीज क्या है साउथ का, आर्कियोलॉजस. ठीक है, तो चलिए बेटा अब अपने वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं. प्री हिस्ट्रिक मीन्स होता है ऐतिहासिक, ठीक है, यानी पहले के टाइम का. कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस मीन्स होता है संगम, ठीक है, जैसे दो चीज़ें जुड़ी हुई हों. बैक वाटर्स, बैक वाटर्स मीन्स होता है अप्रवाही जल. ओके, अब देखिए बेटा है टॉपिका, ठीक है, टॉपिका मीन्स होता है कसावा. क्वायर, क्वायर मीन्स होता है नारियल जटा, ठीक है. स्वैम्स, स्वैम्स मीन्स क्या होता है दलदल, ठीक है. अब देखिए आपका है नेम देम, आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं जहाँ पर, जैसे कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आपको उस स्टेट्स के नेम राइट करना है, ठीक है. देखिए द प्री हिस्ट्रिक रॉक आर्ट इन फाउंड हेयर, यानी पहले के टाइम का रॉक जो यहाँ पर पाया जाता है. तो बेटा तो पहले के टाइम में कौन सा ऐसा स्टेट था जहाँ पर प्री हिस्ट्रिक रॉक पाया जाता था, मध्य प्रदेश, ठीक है. अब देखिए स्टील सिटी, स्टील सिटी किसे कहा जाता है, झारखंड को, ठीक है, स्टील सिटी झारखंड को कहा जाता है. और स्टील प्लांट दूसरी जगह पाया जाता है, ठीक है, दूसरे स्टेट्स में. अब देखिए अ न्यूली फॉर्म्ड स्टेट इन 2014, अभी जल्दी में 2014 में कौन सा नया स्टेट हुआ था, तेलंगाना, ठीक है, यानी इसे क्या किया गया था, बनाया गया था तेलंगाना को नया स्टेट, ठीक है. अ सिटी दैट इज ज्वाइन कैपिटल ऑफ टू स्टेट्स, आपको सिटी बतानी है जिसकी टू जिस क्या है, यानी सिटी आपको बतानी है जिसकी ज्वाइन कैपिटल है, ठीक है, उसके टू स्टेट्स हैं हैदराबाद. ओके, द गार्डन सिटी ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का गार्डन सिटी बताना है, किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी कर्नाटका में है बेंगलुरु, ठीक है. अब देखिए बेटा गॉड्स ऑन कंट्री, ठीक है, भगवान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, केरला को कहा जाता है. अ यूनियन टेरिटरीज दैट इज मेड ऑफ अप ऑफ टू आर्कियोलॉजस, यानी एक यूनियन टेरिटरी जो टू आर्कियोलॉजस से मिलकर बना हुआ है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. ओके, अ ग्रुप ऑफ कोरल आइसलैंड, ग्रुप ऑफ कोरल आइसलैंड किसका है, लक्षद्वीप आइसलैंड का, ठीक है. अब देखिए बेटा अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था प्रीवियस वीडियो में, आपको अपने कॉपी में करने के लिए, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था क्या करना है. देखिए अनस्क्रैम्बल्स द नेम ऑफ कैपिटल सिटीज एंड स्टेट्स एंड देन मैच द फॉलोइंग, यानी कुछ कैपिटल दिए गए हैं, सिटीज दिए गए हैं और कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, यानी उसके अनस्क्रैम्बल्स नेम, आपको उसके नेम आगे पीछे करके दिए गए हैं, आपको क्या करना है, आपको राइट करना है उस अनस्क्रैम्बल्स नेम को, राइट करना है, ठीक है, राइट करने के बाद मैच करना है. तो बेटा मैंने मैच नहीं किया है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा और भी गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने मैच नहीं किया है. देखिए ये दिया गया है ICHNRA, ये क्या है रांची, ठीक है, मैंने इसको राइट किया, ये क्या है रांची, इधर से ये क्या है स्टेट्स है पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, पुडुचेरी. अब देखिए ये क्या है रायपुर और इधर से क्या है तमिलनाडु, ठीक है. अब देखिए ये थर्ड नंबर है कवरत्ती और ये है केरला. ओके, फोर्थ नंबर है भोपाल और इधर से है मध्य प्रदेश. फिफ्थ नंबर है बेंगलुरु और इधर से है छत्तीसगढ़. अब सिक्स नंबर है पुडुचेरी और इधर से है क्या है कर्नाटका, ठीक है. सेवन नंबर है तिरुवनंतपुरम और इधर से क्या है लक्षद्वीप. ओके, एट नंबर है हैदराबाद और इधर से क्या है झारखंड. नाइन नंबर है चेन्नई और इधर से क्या है आंध्र प्रदेश. ओके,
अब देखिए बेटा दिया गया है विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर नॉट मेंशन इन द टेबल, राइट देयर नेम एंड कैपिटल सिटीज हेयर। आपको क्या करना है, आप पीछे से लिस्ट देखिएगा यानी सेंट्रल स्टेट्स के और साउथ इंडिया के, ठीक है। जो स्टेट्स यहाँ पर नहीं दिया गया होगा यानी उस टेबल का जो स्टेट यहाँ पर नहीं दिया गया होगा या यूनियन टेरिटरी, आपको क्या करना है यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। उसके कैपिटल और सिटीज़ को यहाँ पर राइट करना है। और ये करने के बाद जब संडे को आपका वर्क आएगा सभी को अपना वर्क सेंड करना है ग्रुप में, ठीक है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको क्या करना है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए द स्टेट दैट है दैट इज़ द कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया, यानी कौन सा स्टेट था जिसे इंडिया का हार्ट कहा जाता है, मध्य प्रदेश। इन छत्तीसगढ़ हैज अ हूज स्टील प्लांट, देखिए अभी वो क्या स्टील सिटी आपको बतानी थी झारखंड थी, और ये स्टील प्लांट जहाँ पाया जाता है वो क्या है छत्तीसगढ़ के भिलाई में पाया जाता है, ठीक है। इज अ स्टेट दैट हैज़ फैक्ट्रीज दैट मेक मेडिसिंस, आपको वो स्टेट बताना है जहाँ की फैक्ट्रीज में क्या होता है मेडिसिंस बनाई जाती हैं, तेलंगाना, ठीक है। इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन कर्नाटका, कौन सा है विटला टेम्पल, कौन सा है विटला टेम्पल, ओके। अब देखिए अ स्टार्ची क्रॉप ग्राउंड वाइडली इन केरला इन कैश्यू, क्या है बेटा कैश्यू, ठीक है। अब देखिए इज अ हिल टाउन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में हिल टाउन कौन सा है उदगमंडलम, ठीक है कौन सा है उदगमंडलम। नेक्स्ट है अ टेम्पल दैट हैज़ अ गोल्डन डोम, यानी आपको टेम्पल बताना है जहाँ पर गोल्डन डोम पाया जाता है, ठीक है, वो कौन सा टेम्पल है मटरी मंदिर, ओके। इज एन इम्पॉर्टेंट हिस्ट्रिकल स्पॉट इन द अंडमान्स, आपको इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक स्पॉट बताना है जो अंडमान में है, वो क्या है सैंडल पीक है, ठीक है। अब देखिए रांची बोकारो एंड धनबाद आर इन द झारखंड, यस ये सारे चीज़ कहाँ पर हैं झारखंड में है, ठीक है। द नर्मदा मीट्स द रिवर शिवनाथ नियर बिलासपुर फॉल्स, ये महानदी मिलती है, ठीक है ये नर्मदा नहीं। द गोदावरी एंड द कृष्णा फ्लो थ्रू तेलंगाना, ट्रू गोदावरी और कृष्णा कहाँ से फ्लो करती है तेलंगाना से फ्लो करती है। द ब्यूटीफुल मैसूर प्लेस इन लोकेटेड इन केरला फॉल्स, ठीक है। विशाखापट्टनम इज अ पोर्ट सिटी, ट्रू पोर्ट सिटी है। द बैक वाटर फ्रॉम अ नेटवर्क फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन केरला, ट्रू कहाँ है बैक वाटर्स का नेटवर्क केरला में है। कन्याकुमारी लाइज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द कृष्णा गोदावरी एंड पाम्बा फॉल्स, गलत है ये। पुडुचेरी वॉज फॉर्म्ड बाई कॉम्बिनिंग माहे रॉज आइसलैंड उदागमंडलम एंड कवरत्ति, ये रॉन्ग है बेटा क्योंकि ये आपकी कुछ और हैं, ठीक है, यानी माहे और यनम कराइकल, ठीक है, ये आपका डिफरेंट दिया गया है इसलिए क्या है रॉन्ग है यानी फॉल्स है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर पर हम आते हैं, आपका क्वेश्चन आंसर दिया गया है वाई इज़ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वाई इज़ द मध्य प्रदेश समटाइम्स कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्य का मतलब होता है, देखिए मध्य प्रदेश इज समटाइम्स कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज मध्य मीन्स सेंटर एंड प्रदेश मीन्स लैंड, इसीलिए क्या कहा जाता है इसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है बेटा। अब देखिए सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है व्हाई आर मैनी फैक्ट्रीज लोकेटेड इन झारखंड, झारखंड में बहुत सारी फैक्ट्रीज लोकेटेड क्यों हैं स्थित क्यों हैं, बिकॉज क्योंकि द स्टेट हैज़ लॉट ऑफ आयरन एंड कोल विच यूज्ड इन इंडस्ट्री, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोहा कोयला का वर्क होता है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल इन द स्टेट ऑफ सेंट्रल इंडिया, आपको सेंट्रल इंडिया
के स्टेट्स में यानी पीपल लोग कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं आपको बताना है। तो लोग क्या करते हैं, ट्राइबल लोग सिल्क वीविंग एंड बीड़ी मेकिंग, ठीक है, सिल्क वीविंग और बीड़ी मेकिंग ये वर्क वहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ सेंटेंसेस और टू अबाउट द गोलकुंडा फोर्ट, आपको गोलकुंडा फोर्ट के बारे में 2 सेंटेंस बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है देखिए आंसर नंबर 4 का फर्स्ट है, द गोलकुंडा फोर्ट नियर हैदराबाद इज़ मैनी सेंचुरीज ओल्ड, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है और कई शताब्दी पुरानी है, ठीक है। और सेकंड नंबर है बेटा आपका, 2 बताना था आपको, तो सेकंड नंबर है इट्स स्ट्रॉन्ग वॉल्स प्रोटेक्टेड द पीपल इनसाइड, ओके, ये आपका क्या है, सेकंड नंबर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच स्टेट वुड यू फाइंड सैंडलवुड ट्रीज, व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सैंडलवुड ट्रीज फाइंड किया जाता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, तो क्या है, कर्नाटका, कर्नाटका बेटा वो स्टेट है जहाँ पर सैंडलवुड ट्रीज क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है, ड्यू टू देयर स्वीट स्मेलिंग सैंडलवुड्स आर इम्पॉर्टेंट, उसकी स्मेलिंग के लिए, ठीक है, क्या है वो, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम सम ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इन आंध्र प्रदेश, आपको आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कुछ हैंडीक्राफ्ट वर्क को बताना है, तो क्या है बेटा, हैंडीक्राफ्ट लाइक मेटल वर्क वेजिटेबल डाइज, ठीक है, क्या है, मेटल वर्क और वेजिटेबल डाइज, ठीक है, तो ये वर्क वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट आंध्र प्रदेश में होता है। वाई इज़ द केरला कॉल्ड गॉड ऑन कंट्री, यानी केरला को भगवान का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए दिस स्टेट इज ऑफन कॉल्ड गॉड्स ऑन कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन लैंडस्केप्स एंड नेटवर्क ऑफ वाटरवेज, क्योंकि वहाँ पर सुंदर ग्रीन लैंडस्केप और नेटवर्क ऑफ वाटरवेज है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भगवान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है बेटा। अब आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कूबा डाइविंग, वेयर इज इट पॉपुलर एंड व्हाई, स्कूबा डाइविंग क्या है और ये कहाँ पर पॉपुलर है और क्यों, ठीक है। आइसलैंड हैव अट्रैक्शन ऑफ फॉर देयर क्लियर वाटर इज कॉल्ड स्कूबा डाइविंग, यानी क्या पाया जाता है, पानी का बहुत बड़ा हिस्सा पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्कूबा डाइविंग बोलते हैं, और ये कहाँ पर है बेटा, कहाँ पर है ये आइसलैंड में है, ठीक है, लक्षद्वीप आइसलैंड में है, ओके। तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन आंसर वीडियोस देखकर करना है, एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन आप आंसर आपको वीडियो से देखकर करना है, हो सकता है बेटा हम आपको, चलिए हम आपको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे ना समझ पाए, और अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी, ओके, थैंक यू। माई कोड इज़ MPS EVS 136, थैंक यू।